लॉकडाउन को चलते हुए आज ये लॉकडाउन का तीसरा दिन है, तो हम जलगांव में खड़े हैं। जलगांव की स्थिति भी आज लॉकडाउन की दिख रही है काफ़ी अच्छे तरीके से। सिर्फ कोई लोग जिन्हें कुछ चीज़ें लेनी है, राशन की, किराना की, जो अत्यावश्यक सेवा है, वही लोग बाहर दिखा रहे हैं। तो हम इस वक्त खड़े जलगांव के शेरा चौक में, यहाँ पर हमको आपको किराना दुकान दिखा, देखिए दुकानदार किस तरीके से अपनी भी और कस्टमरों की भी सेफ्टी चाहता है। देखो किस तरीके से दुकानदारों ने 3-3 मीटर पे लगाए हुए, देखिए आप, जैसे कि कस्टमर दूर से 3 मीटर के अंदर खड़ा रहे और सामान लेने आए, कोई भीड़ ना होए। देखिए हम आपको दिखाते हैं जलगांव किराना, जलगांव किराना जिनके दुकानदार की तरफ से आप देख सकते हैं सेफ्टी के ये नज़ारा दिख रहा है आपको, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। हम गुजारिश करते हैं सभी दुकानदारों से, सब अगर ऐसी सेफ्टी करें तो आने वाले कस्टमर को भी इससे धोखा नहीं रहेगा और खुद दुकानदार भी चीज़ से बचा रहेगा। तो आइए हम आपको दुकानदार से बात करा दे। जी सर, आप जो कस्टमर आ रहे हैं, आपने तो जैसे हम देख रहे हैं कि आपने ये सब बार्केट्स लगाए हुए हैं, सब अच्छे तरीके से लगाए, तो आप जो कस्टमर आ रहे हैं उनको किस तरीके से समझा रहे हैं आप इस कोरोना वायरस के बारे में, और आप खुद को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आपको काउंटर पर हाथ ना रखें, अपना बता दीजिए। सही बात है, सबसे पहले ये होगा आप दूर से हमसे बात करें, आप मास्क ला के आइए, मास्क का पालन करिए, और आप सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको कुछ होता है तो हमको होता है, तो आप हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को लेके चले, एक दूसरे साथ में रहे, सहयोग करें। हम आपको सहयोग करेंगे, आप हमको सहयोग करें, मास्क सबको मिलेगा और रेट भी वाजिब मिलेगा, रेट भी लुट नहीं होगा। तो सर, ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है तो भीड़ के दौरान आप किस तरीके से भीड़ को हैंडल करते हैं, क्या समझते लोगों को? आपको एक ही बात बताऊँ भाई, आप सब स्वयं से लीजिए, आराम से लीजिए, आपको मिलेगा। भले रात के 12 बजे हमको चलेंगे आपके लिए, जागेंगे, माल देंगे, माल कम नहीं होने। देखिए आप देख सकते हैं कि देश की इस लड़ाई में हमारे दुकानदार लोग भी, देखिए कस्टमर को समझा रहे, दूर से खड़े रहिए, दूर से सामान लिए, सब मास्क पहनकर आइए। और ऐसी मुसीबत की घड़ी में भी आप देख सकते हैं दुकानदार लोग खुद कह रहे हैं कि हम आपको सेवा देंगे, भले रात के 12 बजे या 10 बजे हम आपके लिए सेवा देंगे, हमारी दुकान चालू रहेंगी। हम सभी दुकानदार से गुजारिश करते हैं कि आप जो दुकान के बाहर अपने जो कस्टमर आते हैं, जो ग्राहक आते हैं लेने के लिए सामान, तो आप सब इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से मार्केट गिरा ले, लोगों को मास्क पहनने को बोले और खुद मास्क पहने, इस तरीके से आप इस लड़ाई से लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। जलगांव से उदय राजपूत, प्रगति।